स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत वेंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव हिंदी विभाग में डॉक्टर माना गायकवाड़ सर BA प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र द्वितीय भाषा हिंदी पेपर का नाम साहित्य सौरभ पेपर क्रमांक 2। इसके अंतर्गत इसकी जो कहानी है उसने तो नहीं कहा था। इससे पहले हम जो एक कहानी देख चुके हैं 12वीं कक्षा में या 11वीं कक्षा में होगा, जिसका नाम था उसने कहा था। ये कहानी है उसने तो नहीं कहा था। दोनों कहानियाँ करीब करीब एक समान है, अर्थात उनकी जो भावभूमि है ये एक ही है। अतः उनके जो भाव है या उनका जो मतितार्थ है ये कुछ हद तक अलग अलग मात्रा में लिखा गया है। उसने कहा था यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की थी। तो उसने तो नहीं कहा था ये जो कहानी है, ये कहानी है शैलेश मटियानी की। शैलेश मटियानी की ये कहानी आज हम इसको देखेंगे। उसने तो नहीं कहा था शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 2001 में हो गई। आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार एवं ये प्रसिद्ध गद्यकार रहे हैं। शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के बाड़े छिना नामक गांव में 14 अक्टूबर 1931 को हुआ, जो पहले हम कह चुके हैं। उनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। 12 वर्ष की अवस्था में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा रोजगार की तलाश में पैतृक गांव छोड़कर, अपने पिता का गांव छोड़कर 1951 में दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद उन्होंने जंगल में मंगल, प्यास और पत्थर, इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, बोरेवली से बोरी बंदर तथा कबूतर खाना इनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। मित्रों, 1992 में उनके छोटे पुत्र की मृत्यु के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, विक्षिप्त हो गया, और उसी विक्षिप्तता की स्थिति में उनकी मृत्यु दिल्ली के शाहदरा अस्पताल में हुई है। अब इसमें बहुत सारे जो वाक्य है, ये वाक्य MCQ के लिए पूछे जा सकते हैं या उस प्रकार के ये वाक्य कहे जा सकते हैं। जैसे उनका जन्म है, उनका गांव छोड़कर दिल्ली आना है, उनके उपन्यास है, उनके कहानी संग्रह है, तथा 1992 तथा उनकी मृत्यु कहाँ हो गई, इस प्रकार के अनेक प्रश्न जो है या अनेक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसलिए उनका परिचय जो है ये आपको गहराई से और डिटेलता से पढ़ना ज़रूरी है। अब कहानी को जो है कुछ हिस्सों में हम बांटते हैं, क्योंकि इस दूरदर्शी प्रणाली में जिस प्रकार से कक्षा में पढ़ाया जा सकता है उस प्रकार से पढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ हिस्सों में उसको बांटकर ये कहानी हम पढ़ सकते हैं। उसका जो पहला हिस्सा है मित्रों, ये पहला हिस्सा लेखक ने कहानी के अंतर्गत चामुंडा देवी मंदिर से उन्होंने प्रारंभ किया है, या हम उसको इस यहाँ से प्रारंभ करते हैं ताकि आपको कहानी जो है यह शुरू से अंत तक आपको याद रह सके। कहानी ये फ्लैशबैक पद्धति से लिखी गई है, अर्थात जो फ्लैश होता है ये पहले दिखाया गया है। जिस प्रकार से उसने कहा था कहानी के अंतर्गत जो बाद का जो दृश्य पहले आया है, इसी प्रकार से बाद का दृश्य यहाँ पर भी पहले लिया गया है।
लेकिन आप पढ़ते समय उसको ध्यान में रखना है। कहानी का आरंभ हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक चामुंडा देवी का मंदिर है और उस गांव में दो युवक रहते हैं। एक युवक का नाम है कुंवर सिंह और दूसरे का नाम है जसवंत सिंह। ये भले ही शहर से आए हो लेकिन गांव की जो संस्कृति है ये बहुत ही बारीकी से जानते हैं, अतः ये हमेशा चामुंडा देवी के मंदिर के आसपास, ये मंदिर जो है ये झाड़ियों में तथा जंगल में ये मंदिर है और उस मंदिर को गांव की अनेक सारी महिलाएं आकर देवी की पूजा करती है और उस पूजा के बहाने ये लोग वहां बैठते हैं, कुंवर सिंह और जसवंत सिंह। तो उन्होंने एक दिन ऐसा दृश्य देखा कि एक मुसलमान महिला बुर्का ओढ़कर उस मंदिर में आती है और मंदिर में जाने से पहले जो है ये अपना बुर्का झाड़ियों में लटका कर जाती है। तो कुंवर सिंह और जसवंत सिंह को लगता है ये क्या चक्कर है कि एक तो हमारे समाज में या कहीं पर भी आप देख सकते हैं जिस धर्म की महिला हो उस धर्म के वह मंदिर में जाती है और इसी प्रकार से ये मुस्लिम होकर भी ये चामुंडा देवी के मंदिर में क्यों जा रही है, इस प्रकार का प्रश्न उनके मन में निर्माण होता है और उसी को सुलझाने के लिए उस महिला के पीछे पड़ते हैं और ये महिला जैसे ही मंदिर में जाकर आती है तो उसको पकड़ते हैं और लक्ष्मी माँ को पकड़ने के बाद वह देखता है कि ये कौन है कौन है, तो वह होती है शुरू मियाँ की ठकुरानी। अब ये ठकुरानी कौन है, ये कहानी की नायिका है, कहानी की नायिका है। ये ठकुरानी जो है अत्यंत सुंदर है दिखाई देने में, परंतु उसका दुर्भाग्य यह है ये अब तक 3 शादियां कर चुकी है और 3 जगह पर भी पति मर चुके हैं, अर्थात लोग जो है उसको बहुत सारे ताने बाने देते हैं, कसम टोटनी कहते हैं, कसम टोटनी मतलब पति को खा जाने वाली, इस प्रकार से उस पर छाप है और ये मन ही मन अंदर ही दुखी होता होती है। ये सही नहीं है कि कोई भी पत्नी अपने पति की मृत्यु चाहती है, सही नहीं है, परंतु एक सामाजिक भावना इस प्रकार से बन जाती है कि इसकी शादी जिसके साथ भी होती है उसका पति मर जाता है और इसीलिए वह और उसके नसीब में आज तक जो है 3 बार वह विधवा हो चुकी है ये लक्ष्मा ठकुरानी। अभी 3 बार विधवा होने के बाद, ठीक है कब कब हो गई है, पहला ब्याह हो गया 7 साल में, फिर विधवा हो गई, फिर ब्याह हो गया तब वो 13 साल की थी और पिछले साल एक विवाह हुआ था वह वहाँ पर भी उसका पति अतः इहलोक हो गया, मतलब पिछले साल ही। इस प्रकार से अब यहाँ पर शेरुमिया के पास जो रहती है वह उसका चौथा पति मान लिया जाता है। दोनों के बीच में बहुत सारे बातें होती है और ये कुंवर सिंह और जसवंत सिंह दोनों सुंदर है, दिखाई देने में सुंदर है और इसीलिए शेरुमिया जो है भले ही लक्ष्मी माँ को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन एक परंपरा है महिला को पति होना चाहिए, इसलिए उस प्रकार से वह उसके साथ रहने का प्रयास करती है। जब वह उसकी मजबूरी ये दोनों समझ लेते हैं कि इसकी मजबूरी है तो कुंवर जो है बहुत ही उसके नज़दीक, क्योंकि कुंवर को लक्ष्मा ठकुरानी का सौंदर्य अत्यंत भा जाता है और ये दोनों जो है यह नज़दीक आने लगते हैं अर्थात दोनों में प्रेम हो जाता है। ये प्रेम होने के बाद घर वालों ने टोका मगर लक्ष्मी माँ को उसे नहीं छोड़ा, ये सारी क्योंकि प्रेम की बात ऐसी होती है जैसे बिल्ली आंख बंद कर दूध पीती है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की बात होती है, उनको लगता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये जो बात है सारे गांव में फैल जाती है और ये कुंवर के घर तक जाती है। कुंवर के घर तक जाने के बाद भी, घर से विरोध होने के बाद भी कुंवर उसको मानता नहीं है, घर वालों को भी मानता नहीं है, क्योंकि उसको लक्ष्मी माँ के प्रेम पर बहुत अत्याधिक
विश्वास है, भरोसा है। लेकिन फिर उसमें होता क्या है कि एक दिन जो है कुंवर सिंह जो है परदेश जाने की नौबत उनके ऊपर आती है। किसी इत्तफाक से वह परदेश जाता है। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मा ठकुरानी अकेली रहती है। इस अकेलेपन का फायदा उठाकर जसवंत जो है उसके नज़दीक आता है। और इतनी नज़दीकियाँ बढ़ती है कि लक्ष्मा को भी लगता है यह परदेश गया है, अब उसका क्या भरोसा है। और हर एक नारी को, हर एक महिला को एक पुरुष की आवश्यकता होती है, एक पति की आवश्यकता होती है, और इसी कारण वह जसवंत से ब्याह करती है, जसवंत के साथ विवाह करती है। और विवाह करने के बाद जो है उनका जीवन जो है यह घर गृहस्थी चलने लगती है। जो कुछ साल, एक साल बाद जो है ये कुंवर फिर से अपने गांव में आता है। ये सारी बातें वह समझ सकता है और एक नैराश्य का जीवन यहाँ बिताने के बजाय बॉर्डर पर जाकर बिताना अच्छा है ये समझकर वह फौज में भर्ती हो जाता है। इधर जसवंत सिंह भी फौज में भर्ती हो जाता है। अतः दोनों भी ये फौज में भर्ती हो जाते हैं। फिर उपन्यास का जो कहानी का जो पहला प्रसंग है, ये पहला प्रसंग वहाँ पर आता है। और पहले प्रसंग में जो दिखाया है वह युद्ध हो जाता है। वहाँ पर फौज में भर्ती हो जाते हैं, युद्ध हो जाता है, और युद्ध के बीच में कुंवर सिंह जो वो है और जसवंत सिंह जो है ये युद्ध में युद्धरत रहते हैं। और उसके अंदर जो है ये जसवंत सिंह जो है घायल हो जाता है, क्योंकि एक गोली उसके बाएं कांधे से उसमें से धस जाती है। और ये जो है कुंवर को लगता है कि ये कोई और है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये तो जसवंत है। फिर जसवंत सिंह को ये कुंवर सिंह बचाता है, अपनी जान की बाजी लगाकर बचाता है। भले ही वह पहले गांव में दुश्मन बन गए थे लक्ष्मा की वजह से गांव में पहले दुश्मन बन गए थे, परंतु बाद में वहाँ पर युद्ध भूमि में कुंवर जो है जसवंत को बचाता है। और बचाने के बाद जो है वह जो भावना है ये भावना अधिक वृद्धिंगत होती है। उनको लगता है ये मेरा दुश्मन होते हुए भी उसने मुझे बचाया है। और इस प्रकार के कई वाक्य जो है यह कहानी में हमें दिखाई देते हैं कि आपने मुझे क्यों बचाया है। तो उसके मन में यह एक प्रश्न निर्माण होता है कि जसवंत सिंह के मन में एक प्रश्न निर्माण होता है कि मुझे ये इतनी नफरत करता है फिर भी इसने मुझे क्यों बचाया है, क्या वजह हो सकती है बचाने की। तो बचाने की वजह क्या हो सकती है, इसलिए वह देखता है, उसको पूछता है मुझे आपने क्यों बचाया, क्या उसने तो नहीं कहा था, किसने, लक्ष्मा ठकुरानी ने, जिस प्रकार का भाव उसने कहा था कहानी में था, जो हजारा सिंह बोधा सिंह है, बोधा सिंह को बचाने की जो शपथ लेती है या मांग लेती है इसे वो लहना सिंह से, उस प्रकार से यहाँ पर भी तो किया नहीं है। ऐसा जसवंत सिंह को लगता है कि मुझे इसने बचाया है, क्या लक्ष्मा ठकुरानी ने तो ये नहीं कहा होगा कि उसको बचाओ, मेरा वह सुहाग है, मेरे पति है, उसकी जान की रक्षा करना तुम्हारा काम है, या इसीलिए तो उसने नहीं किया होगा। इस प्रकार से जो है वह कहता है मुझे क्यों बचाया, उसने तो नहीं कहा था बचाने के लिए। तो उसके ऊपर
कुंवर सिंह का जो उत्तर है ये बहुत ही बेहतरीन उत्तर है। वह कहता है कि अपनी भारत माँ के वीरों को दुश्मनों के हाथों से मरते मैं नहीं देख सकता, चाहे वह खुद का दुश्मन हो या कुछ भी हो, भारत माता का सपूत है, इस मिट्टी का वह एक जीव है और अपने मिट्टी के जीव को किसी दुश्मन के हाथों से मैं मरते नहीं देख सकता। ये है मित्रों, यह राष्ट्र प्रेम है, ये राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है और ये राष्ट्रभक्ति इस कहानी में स्पष्ट हो जाती है। तथा जो निस्वार्थ भाव है, जो निस्वार्थ भाव है, यही बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से हम यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। छोटी कहानी है लेकिन भाव उसके बहुत ही गंभीर है। अतः इस कहानी से मतलब जो है कि जो प्रेम जो है या भावना जो है राष्ट्र के प्रति, यह बहुत ही बड़ी है। शैलेश मटियानी की यह अत्यंत मौलिक कहानी है। ये कहानी जो है, यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी, उसने कहा था कि तरफ इशारा करने वाली कहानी है। ये कहानी लक्ष्मा ठकुरानी, जसवंत सिंह और कुंवर सिंह के प्रेम का त्रिकोण हम मान सकते हैं। जो लक्ष्मा ठकुरानी 22-23 वर्ष की विधवा तरुणी है, वह 3 बार विधवा हो चुकी है और कुंवर और जसवंत दोनों को जब से उसने देखा है तब से दोनों को अपना दिल वह दे चुकी है। वह कहानी में कहती भी है कि कुंवर, मुझे तो लगता है दो पर्वतों के बीच में नदी की तरह अटक गई हूँ। कुंवर सिंह के एक वर्ष तक परदेश जाने पर लक्ष्मा ठकुरानी जसवंत से ब्याह कर लेती है, तब से कुंवर जसवंत का दुश्मन बन गया है। दोनों फौज में भर्ती हो जाते हैं। एक बार वादियों में दुश्मन की फौज में कुंवर सिंह जसवंत सिंह को बचा लेता है। तब जसवंत सिंह बोलता है, तुमने मुझे दुश्मनों से बचाया, क्या उसने तो नहीं कहा था? कुंवर सिंह का कहना, उसने तो नहीं कहा था लेकिन मेरी, ये जो है कहानी का मर्म है मित्रों। अब यहाँ पर जो कुंवर सिंह बता रहा है, ये कहानी का मर्म है। क्या बता रहा है? लेकिन मेरी आत्मा ने कहा था कि एक फौज के दो सिपाही जो धरती माँ की रक्षा करने निकले हो, उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। एक माँ के सपूत धरती माँ की रक्षा करने के लिए जब निकलते हैं तो उनका प्रथम कर्तव्य होता है, निभाना है। इस कहानी में प्रेम के त्रिकोण के साथ साथ मित्रों मातृभूमि की रक्षा का कर्तव्य भी बताया गया है कि मातृभूमि की रक्षा करते समय अपना कर्तव्य भी किस प्रकार से होना चाहिए, ये दर्शाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर जो है ये कहानी समाप्त होती है।